हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? होप करता हूँ अच्छे होंगे। आज आपके लिए फिर एक नए वीडियो लेके आए हैं। अगर आप लोग अभी तक मेरे पिछले वीडियोस नहीं देखे हो तो ज़रूर देख लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। चलिए देखते हैं आज का वीडियो। ये वीडियोज़ देख कर आपको बोलना है गलती किसकी है। इस वीडियो में आप लोग देख रहे हो, एक ड्राइवर अपनी गाड़ी लेके ब्रिज के ऊपर जा रहे थे और दूसरे तरफ से एक मारुति आ रहे थे। ठीक उसी टाइम पे एक गाड़ी ओवरटेक करने की कोशिश करते हैं, फिर देखिए नतीजा। गाड़ी तो डिसबैलेंस हो जाते हैं और ब्रिज के ऊपर पलटी मारते हैं। तो दोस्तों, इसमें गलती किसकी थी? नेक्स्ट वीडियो में देख रहे हो, एक कार वाला अपनी गाड़ी लेके सीधा आ रहे थे। ठीक उसी टाइम पे दूसरे तरफ से एक लॉरी आ रहे थे जिसका एक टायर खोल के सीधा कार में जाके लगता है, फिर देखिए कार का क्या हाल हुआ। कुछ ना करते हुए भी इतना बड़ा नुकसानों का सामना करना पड़ा। इस वीडियो में आप लोग देख रहे हो, एक लॉरी एक मारुति को ओवरटेक करने की कोशिश करते हैं, फिर जब ओवरटेक कर रहे थे उसी टाइम पे दूसरे तरफ से एक ऑटो आ जाते हैं और ऑटो को बचाने की चक्कर में सीधा मारुति को ठोक देते हैं। और ठीक उसी टाइम पे ऑटो के पीछे एक ट्रक आ रहे थे जिसका कुछ हिस्सा मारुति को टच कर गया। अगर मारुति ट्रक के आगे आ जाते तो आप लोग जानते हो मारुति का क्या हाल हो सकता था। इस वीडियो में आप लोग देख रहे हो एक ट्रक को आते हुए, लेकिन टर्निंग के टाइम पे ट्रक का स्पीड इतना ज़्यादा था कि ड्राइवर ट्रक को संभाल नहीं पाते हैं और नसीब अच्छा होने के कारण ट्रक से निकलने में कामयाब होते हैं और बच जाते हैं। और देखिए ट्रक का कितना बुरा हाल हुआ। इस वीडियो में आप लोग देख रहे हो, एक ट्रैक्टर ओवरलोड करने के कारण ट्रैक्टर का टायर मिट्टी में दब जाते हैं। जब ट्रैक्टर को वहां से निकालने के लिए एक क्रेन उसको सामने से खींच रहे थे, तब देखिए ट्रैक्टर का क्या हाल हुआ। जोर से खींचने के कारण ट्रैक्टर का इंजन सामने से टूट जाते हैं। यहाँ पर देखिए ओवरलोड करने का नतीजा, ट्रैक्टर के मालिक को कितना बड़ा नुकसान झेलना पड़ा। इस वीडियो में आप लोग देख रहे हो, 5-6 कार जो कि एक बिल्डिंग के नीचे खड़े होते हैं, ठीक उसी टाइम पे जोर से तूफान आ जाते हैं और बिल्डिंग का कुछ हिस्सा टूट जाते हैं और सीधा खड़े हुए कारों के ऊपर आके पड़ता है। और देखिए इसके वजह से गाड़ियों को कितना बड़ा डैमेज पहुंचता है। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। आप लोग कॉमेंट में ज़रूर बताना गलती किसकी है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।